Now, I would solve problem number 1.58 for you. It's continuation of 1.57. 1.57 problem करने के बाद 1.58 करेंगे तो बड़ी आसानी होगी. A solid body rotate with constant angular velocity omega naught, point that is equal to 0.5 radian per second square. A solid body rotate with constant angular velocity omega naught about horizontal axis AB. At the moment t equal to 0, the axis starts axis AB starts turning about vertical with constant angular acceleration beta, beta naught, that is 0.1 radian per second square. Find angular velocity and angular acceleration of the body at time 3.5 seconds. Now, let's try to understand the problem. Any body, this is any body. This is a horizontal plane. Board is a horizontal plane. Any solid body, let us say this is the solid body. हम cylindrical body imagine कर लेते हैं. इसके पहले हमने कौन इमेजिन करा था. दिस सॉलिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट दिस एक्सिस ए बी. दिस इज एक्सिस ए बी. नाउ दिस एक्सिस स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा नॉट. Now, यह एक्सिस इस तरह से रोटेट कर गई और नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी. यह बॉडी अभी भी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है और यह जो एक्सिस है यह बीटा नॉट से एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर गई. इस तरह से यह एक्सिस किसी एंगल थीटा से घूम गई. अब जरा सोचिए, हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द एक्सिस इज बीटा नॉट टी. अबाउट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अबाउट जेड एक्सिस एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर. दिस ऑल्सो अबाउट जेड एक्सिस. अब मैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं. एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं, जरा देखिएगा. एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है. एक तो एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट है और एक पूरी बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी से इसके अबाउट घूम रही है. तो किसी भी समय पर एक ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में और इसके दो कंपोनेंट ओमेगा नॉट कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ओमेगा नॉट साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस इसको मैं ओमेगा डैश लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा प्लस ओमेगा डैश इंटू के कैप. अब मैं एलाबोरेट में लिखूंगा. ओमेगा नॉट तो ऐसा का ऐसा ही है, ओमेगा नॉट इंटू कॉस ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस ओमेगा नॉट
साइन ऑफ हाफ ऑफ बीटा नॉट टी स्क्वायर इनटू जे कैप प्लस ओमेगा डैश की जगह पर बीटा नॉट टी इनटू के कैप मोड्यूली ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यदि हमें लिखना है तो हम स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो वन हो जाएगा और यह दिखने लगेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज बीटा नॉट टी होल स्क्वायर. दिस इज द मोड्यूली ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर एक्सीलरेशन लिखेंगे. एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी. मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं. पहले ओमेगा नॉट कॉस की जगह पर माइनस साइन ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर. हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट करूंगा बीटा नॉट टी इनटू आई कैप प्लस इसी तरह से इसे डिफरेंशिएट करूंगा ओमेगा नॉट इनटू साइन की जगह पर कॉस हाफ ऑफ बीटा नॉट टी स्क्वायर इनटू बीटा नॉट टी दिस थिंग इनटू जे कैप प्लस बीटा नॉट टी की जगह बीटा नॉट इनटू के कैप. लेट मी रीराइट दिस एक्सप्रेशन. ओमेगा नॉट बीटा नॉट टी विथ माइनस साइन इनटू साइन ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर इनटू आई कैप प्लस ओमेगा नॉट बीटा नॉट टी इनटू कॉस ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर इनटू जे कैप प्लस बीटा नॉट इनटू के कैप एंड मोड्यूली ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन जब हम करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आई कैप कंपोनेंट स्क्वायर जे कैप कंपोनेंट स्क्वायर के कैप कंपोनेंट स्क्वायर. आई कैप में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा तो आई कैप में जो दिखेगा ओमेगा नॉट बीटा नॉट इनटू टी होल स्क्वायर प्लस बीटा नॉट स्क्वायर. दिस इज द मॉड्यूली ऑफ एक्सीलरेशन एंड दिस आर द आंसर्स. दिस आंसर टू द फर्स्ट पार्ट and this is answer to the second part. Substitute the values of omega naught, beta naught and time and you would get the answer. This is a body rotating with constant angular velocity omega naught about axis AB and axis AB is rotating. So axis AB is rotating with angular acceleration beta naught. So jab axis rotate karegi to rotate karte hue axis ki angular velocity ho jayegi omega dash that is beta naught t. और एक्सेस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा थीटा दैट इज हाफ ऑफ बीटा टी स्क्वायर और नई एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उसका डायरेक्शन यह होगा इसके दो कंपोनेंट और एक और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल और इस तरीके से हमने लिखा सॉल्व इट एंड चेक द आंसर.